Fresh variety, more music. 24/7 live. घड़ी मिला लीजिए, 7:30 हो गया है। टाइम शो का नाम है चीएस कोलकाता, मेरा नाम है अनिमेश। तीसरा घंटा जो है वो चल रहा है और इस घंटे हम बातें कर रहे हैं वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की। आज है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं नन अदर देन डॉक्टर राहुल जैन, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट एट बेलव्यू क्लिनिक। साथ ही साथ करीब 1200 कोविड पेशेंट्स का ये ट्रीटमेंट कर चुके हैं। तो राहुल सर हमारे साथ इस वक्त, उनके साथ हमारी बातें होगी। डॉक्टर जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। बहुत बिजी शेड्यूल में से आपने वक्त निकाला है और पूरे फ्रेंड्स एफएम की टीम की ओर से, हमारे लिसनर्स व्यूवर्स की ओर से आपको सल्यूट करना चाहता हूँ। जिस तरह से आप सब लगे हुए हैं, आप सब डॉक्टर्स, मेडिकल टीम जो लगी हुई है, उन सब की जितनी हम तारीफ करें उतनी कम है। वैसे आज सर वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, कुछ कहना चाहेंगे? ये जो रोग है ये भी काफी लोगों को होता है हमेशा, तो कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में सर? जी बिल्कुल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हमारे देश को बहुत पीड़ित कर रही हैं और जितना ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जिस दर से बढ़ रहा है, इसके कारण बहुत इकोनॉमिक और फाइनेंशियल लॉसेज है, हेल्थ लॉसेज हो रहे हैं लोगों के। और हाइपरटेंशन एक ऐसा बीमारी है जो बहुत कॉमन आजकल 30 साल 35 साल के लोगों में भी हो रहा है, जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप है, जिसके कारण उनको लॉन्ग टर्म बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, किडनी डिजीज, हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स। तो हमको सबको चाहिए कि हम हाइपरटेंशन से अपने आप को बचा करके रखें, नियमित रूप से खाना खाएं, टाइम से तली हुई चीजें ना खाएं, नमक जितना कम हो सके कम नमक खाएं, ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां, साग, फल, सलाद आदि का प्रयोग करें, और जो लो फैट डेयरी प्रोडक्ट है उनको ही इस्तेमाल करें, घी, तेल, मक्खन, चीज कम प्रयोग करें, कोई भी कैंड और टिंड जो खाना होता है, जो प्रिजर्व्ड खाना होता है, जैसे कि अचार है, बिस्किट है, उसका कम प्रयोग करें, जितना कम प्रयोग करें उतना अच्छा है। हर रोज नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, जैसे कि मॉर्निंग वॉक या कोई भी तरह का लाइट एक्सरसाइजेस, जैसे जिम में जाकर के वार्म अप करना, वेरी लाइट वेट से एक्सरसाइज करना, स्विमिंग करना, वॉकिंग करना, कोई भी स्पोर्ट खेलना, ये सब चीज कारगर है। अगर हम इसको नियमित रूप से ये सब चीजें करें और अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, रात को 6 घंटा सोएं, रात को उठ करके यूट्यूब और फेसबुक ना देखें, बल्कि पूरा 6 घंटा अगर रात को सोएं, तो ऐसा देखा गया है कि हमारे ब्लड प्रेशर पे काफी कंट्रोल होगा। अगर इसके बावजूद भी आपका ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल होता है तो आप अपने नियरेस्ट जो डॉक्टर है उसके पास जाकर के आप दिखाएं और नियमित रूप से दवा लें। बिल्कुल सही कहा, थैंक यू सो मच डॉक्टर जैन हमारे साथ बातें करने के लिए। आपकी बातें जो हैं लोगों तक पहुंच गई है और लोग अमन भी करेंगे, इस बातों को सुनेंगे, यही आशा है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके, और भी ढेर सारी बातें होगी। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद अभी के लिए गुरु रांधवा की आवाज, बहुत ही प्यारा सा गाना, चलिए सुन लेते हैं। Friends, super fresh.